पहले प्रलोभन न माना तो सफाया, आसाराम का ऑडियो सामने आया, गवाह न मुकरा तो हमले के आसार, ऑडियो बम से जुड़ रहे मौत के तार। यौन शोषण के आरोपी आसाराम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश करने के बाद भी बेल नहीं मिली तो प्रलोभन का पैसा फेंका, धमकी का दांव चला, लेकिन ऑडियो बम ने सारे अरमानों को ध्वस्त कर दिया। पहले प्रलोभन न माना तो सफाया, आसाराम का ऑडियो सामने आया, गवाह न मुकरा तो हमले के आसार, ऑडियो बम से जुड़ रहे मौत के तार। पहले भी आसाराम और उनके समर्थकों पर गवाहों और केस से जुड़े लोगों को धमकाने और हमले करने के आरोप लगते रहे हैं। इस बार पीड़ित लड़की के पिता ने एक टेप जारी किया है जिसमें आसाराम केस से जुड़े एक गवाह को लालच देते सुनाई दे रहे हैं आसाराम। बाद में उस गवाह पर हमला भी हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई। अभी तक इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं हो पाई है। एक कहावत है, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। आसमान से गिरे आसाराम ने प्रलोभन के पैराशूट से लटक कर बचने की कोशिश की, लेकिन पोल खुलते देर नहीं लगी और जा लटके खजूर में, और खजूर के ये कटीले पत्ते आसाराम की कैद को और कसेला बनाने के लिए काफी है। सालों से सलाखों की चार दीवारी से निकलने को छटपटा रहे आसाराम को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो गवाह की गोद में लालच का लिफाफा डाल दिया। इस पाप के खड़े को फिर से फोड़ा पीड़ित लड़की के पिता ने। उन्होंने ऑडियो क्लिप पुलिस के हवाले कर दी। शाहजहांपुर पुलिस कप्तान ने टेप मिलने की पुष्टि की। इसकी सत्यता जांचने के लिए इसे जांच अधिकारी को सौंप दिया। मैंने बताया था कि मेरी आसाराम से बात होती है। मैंने कहा आसाराम से कैसे बात होगी, उस जेल में? उसने कहा नहीं, मेरी बात होती है, मैं दिखा दूंगा आपको। तब उसने ये रिकॉर्डिंग मुझे दी थी कई महीने पहले, तो वही रिकॉर्डिंग है। उसमें वो उसे प्रलोभन दे रहा है, कितना मिल जाएगा, इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, 50% पहले दे देंगे, 50% बाद में दे देंगे। आसाराम के काम और जोधपुर जेल प्रशासन के लिए सवालों के साथ मुसीबतें खड़ी हो गई है। अगर ये क्लिप सही है तो मोबाइल जेल में पहुंचा कैसे? आखिर कौन लोग मिले हुए हैं आसाराम के साथ? उधर खबर मिलते ही राजनीतिक राग शुरू हो गया। सबसे पहले तो देखिए, ये जांच होनी चाहिए कि आसाराम ने क्यों फोन किया। धमकी देने का मतलब कि आसाराम का इसमें हाथ है, हत्या कराने में, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह से प्रशासन सुस्त है, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, और जिस तरह से जेल में माफिया लोग जो है वो अपना प्रशासन चला रहे हैं और आए दिन हत्याएं हो रही हैं, इसमें मैं समझता हूं कि सरकार को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। जेल में बंद व्यक्ति के द्वारा यदि गवाहों को धमकाने का प्रकरण संज्ञान में आता और प्रमाणिक होता है तो कानून में उस संबंध में कार्रवाई करने के बहुत प्रावधान है, कानून को अपना काम करना चाहिए। फिलहाल इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि होनी बाकी है। अगर ये आसाराम की ही आवाज है तो कृपाल की मौत के भी तार इससे जुड़े हो सकते हैं। यौन शोषण के आरोपी आसाराम बेल न मिलने से इतने हताश हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसमें प्रलोभन, धमकी, हत्या तक शामिल है। इस घटना से पीड़ितों से लेकर गवाह तक हर कोई दहशत में है, लेकिन अब आसाराम की मुसीबतें बढ़नी लाजमी है। शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा के साथ यदुवीर सिंह, समाचार प्लस। तो एक के बाद एक गवाहों पर हो रहे हमले और उन हमलों में तीन गवाहों की मौत के बाद ये ऑडियो टेप अगर सच साबित होता है तो आसाराम की मुश्किलें बढ़नी तय है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जिशान हैदर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता संजय मिश्रा और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ
जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, अभी तक जब हमने डिस्कस किया आसाराम के समर्थकों से, वो लगातार ये आरोप लगाते रहे कि अब आसाराम के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है गवाहों पर हमले करवाकर, लेकिन अब ये ऑडियो टेप कि अनर्गल प्रलाप था जी। और भक्त तो बनता ही तब है जब विवेक बंध खत्म हो जाए, और आसाराम के भक्त नहीं, वो तो अंध भक्त है, वो तो आंख कान नाक सब बंद करके बैठे, इसलिए वो ऐसा प्रलाप कर रहे थे। आपराधिक न्याय की का एक बहुत मौलिक सिद्धांत है, मेरे मित्र लोग परिचित होंगे, मेरे ख्याल से संजीव मिश्रा तो वकालत भी करते हैं, इसमें अपराधी कौन माना जाए, संलिप्तता किसकी मानी जाए, इसमें अपराध शास्त्र कहता है जो उस कृत्य से एंड वेरिफिशरी हो, यानी उस घटना से जिसको अंतिम तौर पर लाभ मिल रहा हो उसको पहले मान लो, वो तो इसमें शामिल है ही। इस सारे मामलों में देखिए, 9 जगह हमले हुए, 3 लोग मर गए, 6 लोग मौत से जूझे, सबके मरने से किसको लाभ मिल रहा था? वन एंड ओनली आशाराम। तो अमिताभ अग्निहोत्री पर जुर्म थोड़े ना आ जाएगा, शक की सुई न संजीव पर आ जाएगा, ना हरीश जी पर आ जाएगा, ना जीशान हैदर जी पर आ जाएगा। मैं आशाराम के भक्तों से बार बार ये कहता था, एंड वेरिफिकेशन कौन है? आशाराम है, उसका बेटा है, तो और हत्या कौन कराएगा? और आशाराम के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं ना, ये लड़ाई है रावण रथी विरथ रघुवीरा, ये वैसी लड़ाई है, रावण रथ पर सवार है और रघुवीर पांव पांव चल रहे हैं जमीन पर। कहां आशाराम का साम्राज्य? प्रशासन से जुड़े लोग कहते हैं जांच एजेंसियों से कि भैया 10,000 करोड़ से लेके और 70,000 करोड़ तक कोई भी वैल्यूएशन हो सकता है इसके बाबा के साम्राज्य का। उनसे कौन कौन लोग लड़ रहे हैं? बहुत छोटे लोग लड़ रहे हैं, उनकी पहुंच नहीं, उनकी हैसियत नहीं, उनका सामर्थ्य नहीं, वो क्या षड्यंत्र करेंगे? और हर गवाह के मरने से केवल और केवल लाभ इनको, और हर गवाह के मरने से नुकसान उस बेटी के बाप को जो मुकदमा लड़ रहा है, फिर एंड बेनिफिशियरी जो है उसी पर। और ये तो आसाराम की आवाज, पाप का घड़ा भर गया। 7 बार इस आदमी की जमानत की अर्जी देश की सबसे बड़ी अदालत ने नीचे फेंकी है, 7 बार। लेकिन ये भी वज्र ढीठ है भाई, वज्र ढीठ है, हर बार एक नया वकील लेके पहुंच जाते हैं। और थोड़ा सा दुखद ये, हालांकि वकालत अलग किस्म का पेशा है, फिर भी मेरे जैसे आदमी को जो बात अखरती है वो हरीश जी से कहूंगा कि तब समस्या पैदा होती है मेरे जैसे आदमियों को, सबको नहीं होती होगी, जब मैं देखता हूं कि ओंकार सिंह लखावत कभी वकालतनामा पर दस्तखत करते हैं, कभी सुब्रमण्यम स्वामी। सार्वजनिक जीवन में जो लोग हो उनको ऐसे दूषित लोगों से दूर रहना चाहिए। वो खड़े हो तो उस गरीब बाप की बिटिया के साथ खड़े हो जिसका यौन शोषण हुआ। बाबा के साथ खड़े होने के लिए बहुत लोग हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं को इससे परहेज करना चाहिए। बिल्कुल संजीव मिश्रा जी, एक तो अंतिम लाभ किसको मिल रहा है ये तो है ही, इसके अलावा अगर हम देखें तो तमाम गवाहों की जो बातें सामने आई, जिनमें इंक्लूडेड वो लोग भी थे जो मौत के घाट उतार दिए गए, जो मर गए थे, उन्होंने भी अपने बयान में इससे पहले ये आशंका जताई थी कि उन पर जो हमले करा रहा है वो आसाराम के समर्थक ही हो सकते हैं, उन्हीं के लोग हो सकते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे प्रलोभन देने की कोशिश भी उन गवाहों को की गई हो। ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जहां तक आसाराम जी का सवाल है, तो मुझे तो लगता है कि इन सारे केसेस में सीधे सीधे इनका जुड़ाव है जी। ये बात सही कही अमिताभ जी ने कि जिस तरीके से इनके गवाहों पर वो आक्रमण हो रहा है, हमले किए जा रहे हैं, उससे बेनिफिशरी कौन रहेगा? सीधे सीधे सुई अगर जाती है तो आशाराम जी की तरफ जाती है, और वो मैं तो समझता हूँ कि वो इन्वॉल्वमेंट उनका है। एक तरफ इस तरीके की घटना होती है, दूसरी तरफ उनकी प्रवक्ता कह देती हैं कि साहब हमारे बाबा जी को जबरदस्ती अनायास हर चीज़ का आरोप उन्हीं पर लगाया जा रहा है। ये बड़ी अलग तरीके की सिचुएशन है। ये बहुत साफ सी बात है कि जिस तरीके का घमंड आशाराम के ऊपर में था, वो घमंड चूर हो गया। लेकिन फिर भी एक बार क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में ये अपना प्रवचन करने जा रहे थे, तो वहाँ पर ये होली में खूब पानी से खेलते हैं,
तो वहाँ की सरकार ने शायद कहा था कि पानी इस तरीके से वेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा, तो इन्होंने कहा कि पानी क्या तेरे बाप का है। मैंने तो वो क्लिप सुनी थी, जो इनके वर्जन था वो मैंने सुना था, वो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बाबा जिसको बहुत ही मुलायम और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सॉफ्ट होना चाहिए, वो इस तरीके की कठोर बात कर रहा है। और पानी क्या तेरे बाप का, मतलब लैंग्वेज से ऐसा लगता था जैसे कि घमंड का इनका जो घड़ा था वो भर चुका है। जी हरीश श्रीवास्तव जी, अगर ये ऑडियो टेप सच साबित होता है, अगर इस ऑडियो टेप में जो आवाज है वो आसाराम की ही पाई जाती है, तो चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, राम जेठमलानी हो या ओंकार सिंह लखावत, कोई भी आसाराम को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यही बात आसाराम के जो इस केस में जो गवाह हैं, यही बात वो भी कहते रहे कि उनको प्रलोभन देने की भी कोशिश हो रही है, उन पर हमले भी किए जा रहे हैं। नहीं गायत्री जी, ये बात बिल्कुल सही है और मैं आदरणीय अमिताभ जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनको इस तरह के मुकदमों की पैरवी से बचना चाहिए। यद्यपि जो वकालत का पेशा है उसका एक प्रोफेशनल जो उसकी एथिक होती है, उसके नाते तमाम सारे जो वकील हैं, लब्ध प्रतिष्ठित वकील हैं, वो हीनियस से हीनियस क्रिमिनल की वकालत में खड़े होते हैं, लेकिन ये बात सही है कि जो सार्वजनिक जीवन में लोग हों उनको इस तरह की जो लोक छवि है उसके नाते और लोक जीवन की जो एक शुचिता और मर्यादा को देखते हुए इस तरह के लोगों की मुकदमे की पैरवी नहीं करनी चाहिए, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और रहा सवाल जो आसाराम जी के ये केस की बात है, ये तो पूरी तरह से जिस तरह से इनके गवाहों पे हमले हुए और दो तीन लोग इसमें गवाह इनके अब तक उनकी हत्या हो चुकी है, इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग, माफिया तंत्र के लोग अपने खिलाफ सबूतों को मिटाने के लिए गवाहों को और बाकी लोगों को को धमकाते हैं, मारते हैं और हत्या करते हैं। कुछ उसी तरह की चीज़ें जो हैं इसमें देखने में आ रही हैं। और अब ये तो नियम कानून और जांच एजेंसियों का काम है कि वो इसको देखें कि भाई तो तीन तीन हत्याएं इसमें हो चुकी है, तो इसके पीछे कौन लोग हैं, और इसमें थोड़ा त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि और जो लोग इसमें गवाह हैं, जो बाकी लोग हैं, जो पैरोकार हैं मुकदमे में, उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए जी, ताकि ताकि लोगों को न्याय मिल सके और न्याय पे भरोसा रह सके। जीशान है पूरे जी जी हरी जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इस घटना से, जो आशाराम प्रकरण है इसने हिंदुस्तान की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। मेरा फोकस उन सवालों पर है, बाबा तो आज नहीं कल कल नहीं परसों, कितनी आयु शेष है, बहुत तो आयु भी नहीं है, कोई दवा खाए अनंत काल तक तो जीता नहीं कोई ना, और जो लोग बोझ होते हैं धरती पर उनके बारे में ईश्वर तो जल्दी निर्णय करता ही है। खैर मूल बात के आज से, अभी हरीश जी ने वकालत की एक बात कही, मुझे एक प्रसंग याद आता है, नीलम कटारा का बेटा मारा गया, गाजियाबाद में 1350 वकील, एक वकील नहीं मिला नीलम जी के हलफनामे वकालतनामे पर दस्तखत करने साइन करने के लिए। ये कौन सी मॉरल है, कौन से एथिक्स है प्रोफेशनल? पूरी इजलास पूरी बार किसके पक्ष में खड़ी हुई जाके, मैं नाम लू, ये जरूरत नहीं नाम की, नहीं नहीं जरूरत, ये नैतिकता कहती है प्रोफेशन की? नहीं बिल्कुल नहीं नैतिकता। उस मां को एक वकील नहीं मिला, तब उसको ले जाके मामला दिल्ली ले जाना पड़ा, उसने कहा हुजूर यहां तो वकील ही नहीं मिल रहा, मैं यहां पैरवी कैसे कर पाऊंगी। ये सारे लोग वकील आसाराम जैसे लोगों के लिए ही क्यों उपलब्ध होते हैं इस देश में? जीशान भाई आपका सवाल बिल्कुल हटके है आज, इस देश का कोई बड़ा वकील उस गरीब बाप की पैरवी नहीं कर सकता था क्या, जो लोग 20 लाख रुपए एक दिन का लेते हैं? ऐसे लोग हैं दिल्ली में, कुछ तो मेरे मित्र हैं जो 20 लाख रुपए पर हियरिंग लेते हैं, एक एक हियरिंग का लेते हैं, एक एक हियरिंग का। वो लोग कोई अपनी कभी इन्हें सोचते नहीं, उनकी आंख में कुछ कहीं आंसू नहीं आता कि चलो आज गरीब के पक्ष में खड़े हो जाए? जी शनैदर बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी इसमें कई चीजें हैं, मैं दो तीन चीजों पे, आपने शायद अभी क्लिपिंग जो चलाई उसमें भी आपने देखा होगा, अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बोल रहे थे कि इसके ऊपर जो है क्या नाम है प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इसको एक दूसरे पहलू पे लेके जाना चाहता हूं, वहां पे सरकार किसकी, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने क्लिपिंग चलाई उसमें पुलिस वाला कह रहा था वहां पे, जिनका भी इंटरव्यू अभी बाइक चल रही थी, कि दो तीन महीने पहले ये ऑडियो टेप उनके पास आया था, ये ऑडियो टेप अब क्यों रिलीज हो रहा है?
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जो है इनके वकील बन रहे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि आशाराम जी को हर कीमत पे जमानत मिलेगी बाबा जी को, ये क्या भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है? वहां पे किसकी सरकार है, कैसे अंदर फोन जा रहा है, कैसे 3 महीने में क्या और फोन नहीं किए होंगे अमिताभ जी उन्होंने? ये 3 महीने पहले की खुद क्लिपिंग बता रहे हैं कि 3 महीने पहले की ऑडियो क्लिपिंग है, वो पुलिस वाले बता रहे हैं, और 3 महीने में आशाराम बापू ने और फोन नहीं किए होंगे, कैसे फोन जा रहा है, वहां पे किसकी सरकार है, कैसे आशाराम बापू के लगातार लोग मरते चले जा रहे हैं जो भी गवाह है उनके केस के, क्यों नहीं उनको सुरक्षा दी जा रही है, कैसे उनके लोगों को पहले धमकी दी जा रही फिर मारा जा रहा, धमकी देने के बाद वहां पे पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आ रहा है, जेल के अंदर से कैसे वो बात कर रहे हैं, और ऐसे ही पता नहीं आशाराम और आशाराम के लोग कितने लोगों को कैसे धमकी दे रहे हैं। आपकी सरकार थी कांग्रेस की जब वो वहां बंद हुए, ये कोई आज नहीं, भाई आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी बीजेपी नहीं, वहाँ हरी जी आपकी सरकार तीन महीने से जेल में बंद है, बीजेपी नहीं, हरी जी 3 महीने का आपके साथ लोग होते हैं, हरी जी आरोप की बात, एक मिनट जीशान हैदर, एक मिनट हरीश जी, 1 मिनट, मेरा तो अपना तजुर्बा ये कहता है भैया, हरीश जी, जीशान हैदर जी, संजीव बाबू, हिंदुस्तान की कोई जेल, फिर रिपीट करता हूं, हिंदुस्तान की कोई भी जेल समर्थ और पैसे वाले को वहां किसी भी किस्म के व्यवचार करने से नहीं रोकती। फोन तो छोटी चीज है, बोलू क्या क्या होता है, उत्तर प्रदेश से लेकर जितने प्रदेश हैं हिंदुस्तान के सब गिन लो, और दिल्ली की तिहाड़ भी गिन लो जो देश की सबसे प्रतिष्ठित है, वहां भी कुछ लोग हैं भैया, लोग कॉर्पोरेट मीटिंगें वहां हुई जा रही है भैया, जेल के अंदर पेस्ट्री काजू अंजीर का जूस चल रहा है, वो हिंदी सिनेमा में दिखाया जाता था कि काले कपड़े और नंबर वाले कपड़े पहन के लाइन में लगे जली हुई रोटी ले रहे, रुमाली रोटी खा रहे हैं जीशान हैदर, रुमाली और टुंडे कबाब, समझ रहे ना, कौन सी जेल है बताओ, चलो मेरे साथ में दिखा दूं, वह फोन छोड़ो, वह हर सुख है, इंद्र की सभा है जेल, जेल तो गरीब के लिए जेल होती है, समर्थ के लिए कोई जेल होती है? मैंने तो भाई नहीं देखा, ना मैंने नहीं देखा, बाबू सिंह कुशवाहा जेल में है जाके देख आओ क्या ठाट बाट है, शुक्ला जी जेल में थे जिनको संजीव मिश्रा की सरकार ने जमानत पर छूटने के बाद तुरंत कहा कि भैया इतने दिन कहां रहे, तुरंत चार्ज लो, और फूल माला माथे पे तिलक तिलक लगा के उनको चार्ज दिया, उनसे मिलने मंत्री जाते थे जासना में, तो क्या बैरक में मिलते थे? नहीं ना, नहीं, आप कह रहे फोन कैसे पहुंचा भैया? लेकिन अमिताभ जी वही ये तीनों चीजें जो मैं कह रहा हूं, आप देखिए इनको अगर क्लब करके कि वहां पे सरकार किसकी, वहां पे 3 महीने पहले की क्लिपिंग, खुद पुलिस वाले बता रहे हैं कि 3 महीने पहले की क्लिपिंग है, 3 महीने पहले की क्लिपिंग अब कैसे आ रही है, ये बहुत ही गंभीर बात है, और आज वो कैसे रिलीज हो रही है, 3 महीने पहले जब पुलिस वाले से उन्होंने शिकायत करी थी तो पुलिस वाले ने उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करी? हरी जी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, हमने कहा कि वो क्लिपिंग तो शाहजहांपुर के पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसने पहले भी इसकी शायद वहां रिपोर्ट भी की थी, तो शाहजहांपुर का पुलिस प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है, क्यों नहीं आखिर उसको सुरक्षा उपलब्ध कराई? उसमें फैक्चुअल जी हरीश भाई, मैं आपका इंटेंशन समझ गया, उसमें फैक्चुअल स्थिति जीशान हैदर ये है, एसएसपी शाहजहांपुर ने उस क्लिप को एक नोट के साथ, एक कवरिंग लेटर के साथ भेज दिया जोधपुर, जो एजेंसियां वहां जांच कर रही उनको, कि आपके पास आशाराम का वॉइस सैंपल है, इससे मैच करवाइए फॉरेंसिक लैब में, रिजल्ट निकालिए, जांच में इसको एज एविडेंस शामिल करिए और कोर्ट में पुट अप करिए, क्योंकि मुकदमा यहां तो चल रही है, शाहजहांपुर में मुकदमा चल रहा हुआ, तो स्वाभाविक परिणति यही होनी थी कि यहां का एविडेंस का साक्ष्य वहां जाए और वो साक्ष्यों की सूची में सम्मिलित हो, वो प्रक्रिया, उसके बाद उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी भाई, सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा का सवाल तो मैं लगातार उठाता हूं, जितने भी बड़े केसेस हैं जी, उनमें सब में गवाह मारे जाते हैं संजीव मिश्रा जी, और आलम ये है 10-5 साल तक ऐसी व्यवस्था चली ना, तो पुलिस को गवाह ढूंढने नहीं मिलेगा किसी बड़े मामले में, लोग गवाही देना बंद कर देंगे, ये झाली सही बात है,
जिस ढंग से मारे अपराधी के इससे मंसूबे और बनेंगे कि देखो आशाराम में क्या हुआ था। संजीव मिश्रा जी, ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है कि गवाहों को पूरी सुरक्षा दी जाए। और कृपाल सिंह ने मरने से पहले जिन तीन नामों को बताया था, अभी तक उनको लेकर भी कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। ये कम से कम प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा, शासन को सुनिश्चित करना होगा, कम से कम ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में। देखिए, जो बात मैं कहना चाहता था वो बात आदरणीय अमिताभ जी ने पहले ही कह दी कि जो भी वो टेप था वो जोधपुर भेज दिया गया था, और जोधपुर में जो भी सिस्टम इसकी जांच कर रहा है उसको इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए थी। और कृपाल सिंह की जहां तक बात है, तो अगर उन्होंने शाहजहांपुर के प्रशासन को यह भी पत्र लिखा होता कि उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, तत्काल जरूरत है, तो मैं समझता हूं उसमें भी होती। लेकिन जो भी पूरी सिस्टम है, यहां कोई राजनीतिक बात नहीं है। आसाराम का जो भी पूरा साम्राज्य है, उस साम्राज्य पर सारे राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके एक चीज तय करनी पड़ेगी कि आशाराम प्रकरण पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जिस तरीके से हो। और इसीलिए इनको जमानत भी नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे केसेस में निर्णय भी बहुत जल्दी होने चाहिए। जितना डिले आप करते हो उतना ही इफेक्ट जो है वहां के गवाहों पे पड़ता है। तो मैं तो ये बात साफ कहूंगा कि ऐसे केसेस में निर्णय जल्दी होने चाहिए, जिससे कि गवाहों को बहुत ज्यादा अगर टाइम आप डिले करोगे तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत लंबी करनी पड़ेगी। संजीव मिश्रा जी, अमिताभ जी संपाद के टिप्पणी। देखिए, गवाहों की सुरक्षा का सवाल हमने हर उस वक्त उठाया जब किसी गवाह पर हमला हुआ आसाराम के केस में, और इसमें सब दोषी है। आसाराम के केस के गवाह हरियाणा में भी था, उत्तर प्रदेश में भी हमला हुआ, राजस्थान में हुआ, गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, लगभग सब दलों की सरकारें आ गई उसकी चपेट में। जब हरियाणा में हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी, यहां समाजवादी पार्टी की सरकार है, तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार में हमले हुए। इसका मतलब आसाराम मामले के गवाहों के बारे में राज्य सरकारों ने गंभीरता नहीं बरती, बरतनी चाहिए थी। संजीव मिश्रा कह रहे हैं भाई चिट्ठी दी होती सिपाही को, क्यों? एसएसपी घास खाता है, उसको नहीं समझ आना चाहिए कि आसाराम केस का गवाह है? समझ आना चाहिए ना, कीमती चीज हीरे की अंगूठी जीशान हैदर बकरी में रखते हो कि डिबिया में? बकरी में तो नहीं रखते ना, बकरी में तो अनाज और भूसा रखते हैं। आशाराम के गवाहों की वैसी हिफाजत क्यों नहीं हुई? सारी पार्टियों की सरकारें दोषी, अगर पार्टियों पर आ जाएगी तो। और आसाराम को आज आप लोग गाली दीजिए इस मंच से, मैं तो तब भी अच्छा नहीं मानता था जब आसाराम के चरण छूने देश के हर बड़ी पार्टी के बड़े राजनेता जाते थे, मैं तब भी आसाराम का आलोचक था। मैं ऐसे पाखंडियों के पक्ष में कभी नहीं खड़ा हुआ, तब भी नहीं जब हर बड़ा आदमी जाता था। एक बड़े नेता, एक बड़े संत बाबा थे, संत तो नहीं बाबा थे, चंद्र स्वामी जिशा नेदर। एक बार गलती से हरीश जी, मैंने उनका जन्मदिन देख लिया, मैं भी इनवाइटेड था, हौज खास में मना था, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, संपूर्ण भारत सरकार, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, 13 राज्यपाल और नेता तो फिर असंख्य, और सब आके उनके चरणों में फूल रख रहे थे स्वामी जी महाराज के। ऐसा खेल तो हिंदुस्तान में पहली बार थोड़ी ना होते रहा है, तो कौन ये कह देगा कि हम पाक साफ है? नहीं ना। इन बाबाओं को ताकत पर बनाया किसने? राजनेताओं को बाबाओं ने ताकत दी और बाबाओं को राजनेताओं ने ताकत दी? नहीं तो एक सिपाही ठीक कर दे। हरीश जी, चमनगंज थाने का सिपाही ठीक कर दे बड़े बड़े बाबा को दो मिनट में। लेकिन कर कैसे दे जब वो देख रहा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बड़े बड़े लोग आके चरणों में लोट रहे, बाबा बोले बच्चा चल नृत्य कर। आसाराम के साथ नाचने की फोटो है ना बड़े बड़े लोगों की, है ना? कोई देश चलाता है, कोई प्रदेश चलाता है, तो जब वो अपने अब्बा को नाचते देख लेगी पुलिस तो उसमें हाथ डालेगी क्या बाबा पे? उसको बच्चे नहीं पालने क्या? पुलिस को उसको भी पालने ना, जिशान जी पालने ना भैया। वो कहेगा मर बाबा तू जो चाहे कर, आग लगा।
जितने कपटी बाबा हैं, जितने धूर्त बाबा हैं, जितने बवाली बाबा हैं, सब लाइजनर हैं। मैं एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं, मैंने अपने आंखों से देखा ऐसे अवसरों को हरीश जी, जिसमें ब्यूरोक्रेट, कॉरपोरेट जगत के बड़े लोग और राजनेताओं के बीच मध्यस्थता कराई बाबाओं ने पैसे के लेन देन में। अकेले में कभी पूछेगा तो प्रमाण बता दूंगा, चेहरे बता दूंगा, नाम और अवसर, जगह बता दूंगा कि इस जगह इस तारीख को ये काम कर रहे हैं बाबा लोग, पता है आपको। एक और महाराज है, वो कहते हैं 10-12 मुख्यमंत्री तो मेरी जेब में हमेशा रहते हैं, वो भी कहीं जाते हैं तो लाल बत्तियों को कारवा हो जाता है एयरपोर्ट से लेके और अंदर तक 100-150 लाल बत्तियां की गाड़ी जाती है उनके साथ, वो भी एक महाराज है। अभी अभी ताजा ताजा उभरे हैं, ये कहां से आते हैं महाराज, कौन बनाता है महाराज इनको। फरुखाबाद, एक फरुखाबाद में तहसील है छिबरामऊ, नाम सुने होंगे, वहां एक बाबा आ गए, उन बाबा ने अपनी नई यूएसपी बता दी, उन्होंने कहा मैं समाजवादी बाबा हूं। वहां के एक लड़के ने मुझे क्लिप भेजी, बोले देखो भाई ये बाबा, और सबसे गंदा काम क्या किया, बाबा आबा तो कोई समाजवादी भाजपा ही क्या, वो तो अपने ढंग का आदमी होता है, जहां से माल मिले वही ठीक, उसको तो धतकर्म करना। वहां उत्तर प्रदेश सरकार के 2-3 मंत्री चले गए बड़े, उसके धंधे पर मोहर लग गई। इसलिए मैं कहता हूं राजनेताओं दूर रहे, तब समाज और प्रशासन इन पर कार्रवाई खुद कर लेगा, लेकिन उसके हाथ हरीश बालझारी जी तब बंध जाते हैं समाज के और प्रशासन के, जब वो देखते हैं कि देश और प्रदेश चलाने वाले बाबा से कान में बात कर रहे हैं। क्या ये कौन सी ताकत थी जिसने 16 मई को चुनाव परिणाम आ रहे थे और बाबा को 16 मई को पेशी थी आसाराम की, तो इसने चुटकी बजा के कहा दो दिन फिर अच्छे दिन। इसको इल्हाम हुआ था, आकाशवाणी हुई थी क्या, इस आठ घाट से परे हुई है। तब कृपाल सिंह बचेगा, तब गरीब बचेगा, तब गरीब की बिटिया बचेगी, इस सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हो सकता है आज वो शाहजहांपुर के गरीब बाप की बेटी है, कल हमारे आपके किसी की बेटी भी हो सकती है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिशान हैदर आपका, हरीश जी आपका, संजीव मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। अमिताभ जी हमारे साथ बने रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी उत्तराखंड की, क्या सरकार छुपा रही है दामन में दागे, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। क्या सरकार छुपा रही है दामन में दागे, सवाल दरअसल इसलिए है क्योंकि हाल ही में आपदा घोटाले पर हुए खुलासे से गंदे हुए सरकार के दामन पर पानी डाला मुख्य सचिव ने, कह दिया आपदा में कोई घोटाला नहीं हुआ है, सब लिखा पढ़ी की गलती थी। अब इस बात का जवाब तो सरकार ही दे सकती है कि जब आग ही नहीं लगी थी तो धुआं आखिर कहां से उठा। घोटालों के आरोपों से घिरा प्रदेश का शासन प्रशासन अब जांच को लेकर सवालों में है। संवेदनशील मामले की जांच में मुख्य सचिव ने जिस तरह से अधिकारियों का दामन पाक साफ बताया, सियासत में उबाल आ गया। आखिर जो अंदेशा था वही हुआ, न कहीं घोटाला हुआ न कहीं घपलेबाजी हुई, ये खुलासा हुआ है जांच रिपोर्ट में। मुख्य सचिव ने तो सूचना के आधार के तहत मिली जानकारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा पेट्रोल से लेकर खानपान पर हुए खर्चे को लिखावटी त्रुटि बता दिया। अल्फाबेट को दर्शाने में त्रुटि रही है, तो दैट इज इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, इसीलिए मैंने कहा कि जहां पर सूचना उपलब्ध करने में क्या कहते हैं डेफिशिएंसी हुई है। प्रदेश सरकार को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई, खुशी से बांछे खिल गई माननीयों की, बोले सरकार तो पहले से ही भ्रष्टाचार से लड़ने को प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट तथ्यों पर बेस्ड होनी चाहिए और तथ्य वेरीफाई किए जा सकते हैं, और वेरीफाई करने के लिए पब्लिक स्क्रूटनी जो मीडिया के माध्यम से है, हम उसके लिए भी बिल्कुल ओपन है। उधर भाजपा का कहना है कि हमने तो पहले ही भांप लिया था कि मुख्य सचिव दोषियों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीजेपी को लग रहा है कि हाईकोर्ट इसकी सीबीआई जांच के आदेश देगा।
संपूर्ण प्रकरण पर जो आपदा प्रभावित हैं उनके जो अमानत में खयानत की गई है, इस संपूर्ण प्रकरण पर माननीय न्यायालय या तो सीबीआई जांच या एसआईटी की जांच गठित करने के निर्देश देगा, ऐसी हमें उम्मीद है। जांच रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर सबका दामन साफ था तो इतना बड़ा बवाल कैसे मचा? क्या आरटीआई के जवाब में गलत जानकारी मिल सकती है? इतनी ज्यादा लिखावट त्रुटि कैसे हो सकती है? आखिर जब आग ही नहीं लगी तो धुआं कहां से उठा? आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मुख्य सचिव ने जो आपदा राहत घोटाले के तहत अपनी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि सरकार पहले से ही मन बना चुकी थी अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को बचाने की। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे ही जांच होती रही और उसमें अधिकारियों को बचाया जाता रहा तो फिर घपले घोटालों का पर्दाफाश कैसे होगा और कैसे दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी? कैमरामैन पवन रावत व रुपेश नेगी के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। तो इस जांच रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने सबको पाक साफ बता दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर मामूली सी त्रुटि थी तो क्या कैग का अंदेशा गलत था? क्या आरटीआई के तहत जो जानकारी दी गई थी वो भी सरकार की तरफ से, क्या वो गलत थी? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सीएम के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, अगर अल्फाबेटिकली ही त्रुटि थी तो क्या ये बात कैग को समझ नहीं आ रही थी? उसने घोटाले का अंदेशा क्यों जताया और सरकार की तरफ से भी क्या ये त्रुटि देखी नहीं जा सकी जिसके चलते आरटीआई के तहत जो जानकारी दी गई उसमें भी घपले की चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, घपला कहना इसे मैं समझता हूँ भी बहुत जल्दबाजी है जी। स्पष्ट है कि सरकार ने हर अवसर पर कहा है कि हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है, हम चाहते हैं सारे तथ्य साक्ष्य सामने आने चाहिए, यदि कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और मुख्य सचिव प्रदेश के सबसे बड़े अफसर होते हैं, उनको जांच सौंपी गई, उन्होंने जो सामने तथ्य उनके सामने उपलब्ध थे उन पर विस्तार से अपनी जांच की और जनता के सामने भी आई। और मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि वे चाहते हैं कि विधानसभा की समिति, संयुक्त समिति बने, वो भी जाँच कर लें, मीडिया के साथी चाहे वो जाँच कर लें, कोई सिविल सोसाइटी के लोग चाहते हैं वो जाँच कर लें, हमारे पास तो छुपाने को कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं जो भी तथ्य साक्ष्य उपलब्ध है वो जनता के सामने जाहिर किया और यदि कहीं कोई दोषी पाया जाता है ठीक है कार्रवाई की जाए। सुरेंद्र भाई ठीक है, आप बार बार यही कहते हैं, मैं इस बात का बहुत वो एहतराम भी करता हूँ कि छुपाने को कुछ नहीं बात अच्छी है, दिल को बहलाने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। अगर यही सच था तो जब से आपदा आई उसके बाद से मैं लगातार एक अनुरोध कर रहा हूं उत्तराखंड की सरकारों से कि प्रभु, हे परम प्रभु, इस देश के आवाम के सामने आपदा के आय व्यय का श्वेत पत्र रख दीजिए। आपके पास छुपाने को कुछ नहीं, फिर भी नहीं रखते और ऊपर से तुर्रा ये कि छुपाने को कुछ नहीं है, पहले बोल दिया। खैर, मुन्ना सिंह जी, मेरा सवाल, मुझे कोई ऐसा उदाहरण अतीत से, इस विषय पर चर्चा आपने कि रिपोर्ट में क्या लिखा चीफ सेक्रेटरी ने, छोड़ दीजिए वो इरेलेवेंट हो गया, मुझे कोई ऐसा उदाहरण बताइए किसी स्टेट से अतीत से जिसमें स्टेट की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया ने अपनी ही समस्त ब्यूरोक्रेसी की लूट पर मोहर लगा दी हो कि हां लूट हुई। क्या ऐसा कोई उदाहरण है? आप वो धोनी से ये उम्मीद करो कि धोनी ये लिख के ये मान लेंगे कि हमारे खिलाड़ियों ने फिक्सिंग की, कभी ऐसा होता है क्या? लड़के की जांच लड़के के पिताजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भैया, वाह 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 मुन्ना सिंह जी, सही बात है, है? लड़के की मौसी लड़के की जांच कर, लड़की की जांच कर रही है। अरे लड़के की जांच लड़की की मौसी से कराओ और लड़की की जांच लड़के की अम्मा से कराओ तो रिपोर्ट आएगी असली। मुन्ना सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत वाजिब आपने कहा। देखिए, दो तीन चीजें जरा गौर करें। सुरेंद्र जी ने आज चूंकि इस विषय पर बहुत हाई तोबा के थोड़ी सी हम चर्चा कर लें इस पे। एक तो जो सवाल आपने रेज किया, इस घोटाले का
जो जिसे कहना चाहिए नियंत्रक एजेंसी में कह लेता हूं, या ये कहिए इस आपदा राहत ऑपरेशन का जो नियंत्रक एजेंसी, चलो अभी मैं घोटाला शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूं, सुरेंद्र जी की बात से सहमत हो लेता हूं, उसकी नियंत्रक एजेंसी ही चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस रहा। अब चीफ सेक्रेटरी अपने उस एजेंसी के बारे में जिसका कर्ता धर्ता चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस रहा, मैं रविशंकर या फलाने या सुभाष कुमार फलाने की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिस मैं चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस की बात कर रहा हूं, वही उसकी जांच करेंगे। एक बात, दूसरी बात, यह जांच ठीक उस प्रकार की है अमिताभ जी जिस प्रकार की 2G स्पेक्ट्रम की जांच कपिल सिब्बल ने कह दिया था कि मैंने देख लिया सब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, प्रथम आवाज प्रथम पावत के आधार पर दे दिया गया, कोई गड़बड़ी नहीं है। विशेष रविशंकर जी की जांच केवल और केवल उस तरह का एक नमूना है। तीसरी बात, कोई भी जांच हो देश के अंदर, कोई हाईकोर्ट का जज करें, सुप्रीम कोर्ट का जज करें, कोई ब्यूरोक्रेट करें, कोई आयोग करें, हम लोग एक जुमला कहते हैं, एक भाषा कहते हैं, एक सिद्धांत का पालन करते हैं कि इट हैज टू बी विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ। अब सवाल साहब, जब फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ आता है तो उसमें सबसे पहला कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बड़ा सवाल होता है कि हमारा हितों का टकराव तो नहीं है। अमिताभ जी, आपने बहुत वाजिब बात कही कि चीफ सेक्रेटरी के हितों का टकराव है, वो खुद उस एजेंसी को हेड कर रहे हैं जिस एजेंसी के ऊपर आरोप है। और इतना ही नहीं, मैंने परसों एक बयान दिया कि एक गुड ऑफिसर हैज बीन टेरिबली मिसयूज्ड। मैं थोड़ी देर के लिए अच्छे नंबर दे रहा हूं रविशंकर जी को, इसलिए मैंने गुड ऑफिसर का इस्तेमाल किया। एक गुड ऑफिसर हैज बीन टेरिबली मिसयूज्ड, ही हैज बीन एलियोर्ड, और आज वो जो आईना था, आज जो पर्दे के पीछे की कहानी थी वो सामने आ गई। जिस रविशंकर जी ने जांच की, थोड़ा बस समय, उन रविशंकर जी को मुख्य सूचना आयुक्त का आपके लिए आज सामने, मुझे 10 दिन पहले से पता था कि ऐसी रिपोर्ट आएगी तो ऐसा पद मिलेगा, ठीक है, वो जनता जानती है, ये जनता है सबसे। सुरेंद्र जी, एक सवाल आपसे, मान लीजिए SSP हो किसी जिले का, वो सारी पुलिस फोर्स का मुखिया सुरेंद्र जी, ठीक, जिले की, अब उसके जिले के 15 थानेदार किसी घपले घोटाले में संलिप्त हो जाएं, ऐसी बात आए, अब वो इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई, तो अगला सवाल होगा तुम क्या कर रहे थे चाचा वहां, तुम्हें तो इसीलिए बैठाला गया कि तुम देखो तुम इनके हेड हो, तो अपने मुंह पे कोई कालिक पोतता है क्या सुरेंद्र भाई? अमिताभ जी कभी नहीं। मुन्ना जी की बात के जवाब देने की इजाजत तो चाहूंगा ही आप। नहीं नहीं, मेरा सवाल जो है समय कम है, फिर मुन्ना जी की बात में जवाब दे दूं। मुन्ना भाई की फोर कॉर्नर्स की बात करी है, इनकी पार्टी की सरकारें जहां है वहां फोर कॉर्नर्स तो चलते नहीं, सीधा 45 आज तक ऊपर, ठीक है। ये तो ना वकील दलील अपील किसी चीज में बात नहीं रखते हैं मुन्ना भाई की पार्टी के लोग, लेकिन ये तो भले आदमी है मुन्ना जी, भले आदमी पर पार्टी के लोग विश्वास नहीं रखते। आपने जो सवाल किया है उस सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगा। हमने ये कब कहा कि जांच में कोई ऐसा संदेह आ रहा है? हम तो साफ कह रहे हैं इससे आगे भी जांच हम कराने को तैयार हैं। तो ये पहले कह देते, समिति होगी उसमें भाजपा के साथी भी हमारे चाहे वो योगदान दे सकते हैं, क्या पूरा ये भाई, तो मैं एक बात सुरेंद्र भाई, विधानसभा का सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई आपकी मंशा तब तक कटघरे में रहेगी, भाजपा क्या कह रही मुझे मतलब नहीं, आप क्या कह रहे इससे भी मतलब नहीं, मतलब कांग्रेस क्या कह रही, मेरा मतलब है प्रदेश क्या कह रहा, ठीक। कांग्रेस और भाजपा 1.25 करोड़ लोगों का प्रदेश नहीं हो सकती पूरा, ठीक। जनता मान रही है कि उसके साथ अन्याय हुआ, लूट हुई, अब सवाल है लूट हुई तो किसने की भाई, लूट हुई तो एक सेकंड भाई, सुरेंद्र भाई, लूट हुई है सुरेंद्र भाई, सिर्फ सुन लीजिए, ऐसा भी मत करिए कि बिल्कुल लीप दीजिए कि जनता में निकलने मुश्किल हो जाए, कल रहना वही है ना, गरीब कुर्ता पकड़ लेगा। मैं जो निवेदन कर रहा था वही निवेदन कर रहा था सुरेंद्र भाई, आपने कहा, आपके चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया भाई सब अच्छा है, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत वो स्पेलिंग की गलती हो गई, क्या क्या, ठीक है, मैं जानता था ये रिपोर्ट आएगी, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं मुझे,
मैं जानू उस रिपोर्ट की मैं प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, लेकिन मूल सवाल वही खड़ा है, क्या ऐसा कोई उदाहरण है जिसमें टीम लीडर ने अपने मुंह पर खुद काली पोत ली हो? नहीं ना इतिहास में। तो हम इस रविशंकर से कैसे उम्मीद करते थे? अभी अमिताभ जी, अभी तो ये साबित नहीं कहीं हुआ कि कहीं घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। अरे आप तो अंतिम समय तक सूचना आयुक्त ने सुरेंद्र अग्रवाल जी कहता है कि उसका कहीं सुरेंद्र अग्रवाल जी आपके सुरेंद्र जी आपकी जिजीविषा को मैं प्रणाम करता हूं और कांग्रेस के हौसले और हिम्मत को मैं हमेशा से प्रणाम करता रहा। कांग्रेस ने आज तक कभी ये नहीं माना कि इमरजेंसी में जाती हुई, जबकि छोड़ कांग्रेस पूरे देश और आज तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है अमिताभ जी। आज तो मुरली मनोहर जोशी भी यही कह रहे हैं। अरे मुरली मनोहर को छोड़ो भाई, मैं जो कह रहा हूं वो समझो आप। आपने तो ये भी नहीं माना कि 84 में कुछ गलत हुआ, आपके मानने से देश चलेगा क्या? आपके मानने से देश चलेगा क्या? कांग्रेस के, कांग्रेस ने तो नहीं माना इमरजेंसी में कुछ अत्याचार हुआ, लेकिन जिनके नाखून प्लास से खींच लिए गए थानों में उनके नाखून मैंने देखे। सुरेंद्र जी मैं आपकी बात मानू या कि उनके नाखून लहूलुहान देखे उनकी बात मानू? जिनके बाप मर गए, मां मर गई और जेल से बाहर नहीं जाने दिया गया, उनकी बात मानू या आपकी मानू? क्या भाजपा कह रही, क्या कांग्रेस कह रही, ये हिंदुस्तान की आवाज हो जाएगी क्या? मुन्ना सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? अमिताभ जी मैं केवल यह अनुरोध कर रहा था कि हम जब लोकशाही में है तो आखिरकार जनमत भी कोई चीज है, जनभावनाएं भी कोई चीज है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं अपना ही दे रहा हूं। आप यह भी कह सकते हैं कि मैं अपने आप को ही कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित व्यापक घटना की उसके मैं मेरिट डिमेरिट में किसी में नहीं जा रहा हूं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लोग एक चर्चा बनी, एक जन दबाव हुआ, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। किसी अदालत ने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। जन दबाव का सम्मान करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं कि सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। मैं आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से अनुरोध करता हूं कि वो साहस दिखाएं। यदि उनकी नियत साफ है तो वो सामने आकर के कहना चाहिए। मुन्ना सिंह जी इसी प्रकरण की सीबीआई जांच, मुन्ना भाई मुन्ना सिंह जी साथ जाऊंगा जी सीबीआई जांच के लिए। ठीक है मुन्ना सिंह जी, दामन एक मिनट सुरेंद्र भाई, एक मिनट, एक आदमी बोलिए मुन्ना सिंह जी, एक मिनट। सुरेंद्र अग्रवाल जी सीबीआई से, सुरेंद्र अग्रवाल जी का प्रेम आज जाग गया इनका। सुरेंद्र अग्रवाल जी एक मिनट, कल तक तो हमारा तोता बताते थे उसे। अरे भाई सुरेंद्र जी एक मिनट भाई, आपने कहा यह तथ्य सही नहीं है व्यापम पर शिवराज सरकार का सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देना, तथ्य सही है क्या है यह बताइए आप? नहीं जो सारी बात रखी है वो नहीं, सारी नहीं, आपने ना ऐसे बताए भाई। नहीं भाई देखो मेरे शो में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, आप जानते हैं सिर्फ इतना निवेदन किया। ना 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 निवेदन नहीं, वो सही तथ्य निवेदन नहीं, मुझे बताइए सही तथ्य क्या है। मैं कह रहा हूं यही सही सही तथ्य सीधा ऊपर सही तथ्य यह है कि अरे आप क्या करने जी, ऐसे बहस नहीं मेरे साथ नहीं होती। ये पार्टियों में शक्ल लस करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करिए, जहां वो बच्चे सुनने आते हैं कि हां साहब बोलो हम लिख रहे हैं इमला, यहां नहीं। फैक्ट ये है कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट गया, हां ये भी सच है वो जन दबाव में गया, अपनी मर्जी से नहीं गया, ये भी सच है। दोनों बातें सच है, फिर तथ्य क्या है? यही तथ्य तथ्य ये भी तो है ना अमिताभ जी, जब 45 लोग ऊपर चले गए और ये बात बनी कि भैया कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं, आप ही लोग इसी बात कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच पहले बोल रहे हैं भाई। मैं समझ पा रहा हूं आपकी बात, अपील वकील दलील नहीं होती है सुरेंद्र अग्रवाल जी, दलील भाई मुन्ना जी भी नहीं। सुरेंद्र जी देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होनी चाहिए और थोड़ी सी मजबूत बात होनी चाहिए, हल्की बात नहीं है ना, बहुत लोग सुनते हैं, हल्की बात नहीं, हल्की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हल्की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हल्की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस विज्ञप्तियों में, चकल्लस वाली बातें टॉक शो में गंभीर बात। मैं उधर नहीं मध्य प्रदेश में आया, मुख्यमंत्री स्पष्ट कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री के कहने से क्या होगा? ज्यादा तथ्य आ जाए और सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी कि मुख्यमंत्री प्रदेश मुन्ना जी ने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सब लोग के पास छुपाने को कुछ नहीं,
सब लोग अतीब पारदर्शी, अति पारदर्शी, लोकलाज से संपन्न। तो इन तीनों योग्यता वाले शासन से मुझे ये अपेक्षा है कि कल सुबह 11 बजे अदालत खुलने पर उत्तराखंड राज्य अदालत में जाके कहे कि हुजूर हम चाहते हैं इसकी सीबीआई जांच करा दो, या दूसरा उत्तर देते, या चीफ सेक्रेटरी से कहिए एक चिट्ठी डीओपी की डिपार्टमेंट को भेज दे केंद्र में, दोनों स्तरों पर जांच हो जाएगी, आपका भी चेहरा पाक साफ हो जाएगा, फिर आके जलवे से बोलिएगा जब सीबीआई की रिपोर्ट आ जाए। सुरेंद्र अग्रवाल जी, अब आपका सुझाव है, इस आपके सुझाव को देखते हैं और लोगों के सामने भी रखेंगे कि इस सुझाव के ऊपर क्या करें। रविशंकर के, रविशंकर की रिपोर्ट से नहीं बात बनेगी ना, ये गलतफहमी मत रहो भाई। आपके सुझाव को हम आदेश की तरह भी ले लेते हैं अमिताभ जी। ना ना, इन्हीं रविशंकर और महेश शंकर से नहीं बात बनेगी सुरेंद्र भाई, ना 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 ना, जनता कहां मानती है इन सब बातों को। जरे कितनी सरकारों ने ऐसी रिपोर्टें अपनी बगल में दबा के रखी लेकिन जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। मुन्ने जी, अमिताभ जी, बड़े उल्टे बांस बरेली को है। सुरेंद्र जी ने कहा एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन इन्होंने रेज किया। मैं कह रहा हूं जब हम सामान्य बात करते हैं तो परिस्थिति जनित चीजों का भी कुछ महत्व होता है। देश के अंदर तमाम सारी चीजें हैं जो परिस्थिति जनित, जिसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, उसके आधार पर भी मुकदमे चले, सजाएं हुई। मैं कह रहा हूं इसी आपदा घोटाले के नाम पर इस प्रदेश के अंदर दो लोगों ने आत्महत्याएं की, उन्होंने सरकार में बैठे हुए रसूखदार लोगों के नाम कहे, तो क्या यह पर्याप्त तो नहीं है यह साबित करने के लिए कि इस घोटाले के जो स्प्रेड है, जो लंबाई चौड़ाई और व्यापक है, क्या यह पर्याप्त तो नहीं है बताने के लिए कि इसका जो क्रिमिनल इंटेंट है, क्या यह पर्याप्त तो नहीं है बताने के अंदर कि जिसके अंदर जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी है वो व्यापक है। कोल घोटाले में सीबीआई ने कुमार मंगलम बिरला को एफआईआर में सिर्फ इसलिए सम्मिलित कर दिया कि वो कोर सेक्रेटरी से मिलने गया और उसके तीसरे दिन पॉलिसी बदल गई। इसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। और यहां तो दो दो लोगों ने आत्महत्या कर ली और प्रदेश की सरकार बेशरम होकर के कह रही है कि साथ बताओ प्रदेश का क्या सरकार सीबीआई जांच के लिए कहेगी। सुरेंद्र जी क्या आप सुझाव मान रहे हैं, क्या सरकार सीबीआई जांच के लिए कहेगी? मैं समझता हूं कि पहले जो और जांच विधानसभा की समिति ने करनी है, सर्वदलीय समिति ने करनी है, हम तो मीडिया के साथियों को भी आमंत्रित, आप सीबीआई के लिए नहीं मानेंगे? ठीक है, आने दीजिए तथ्य, आने दीजिए पहले सामने। कब तक तथ्य का इंतजार करेंगे? व्यापक को लेकर आप कह रहे हैं कि सारे तथ्यों को खत्म कर दिया गया। ठीक है अमिताभ जी, गलती नहीं सरकार आई है तो प्रेम आ गया, सुरेंद्र भाई बहुत प्रेम है। सुरेंद्र भाई आगे बात, मुन्ना सिंह की आगे बात, मैं समझ नहीं पा रहा। आप कह रहे हो बार बार गंगा का पानी हाथ में लेके तुलसी का पत्ता कि छुपाने को कुछ नहीं, तुम्हें मेरी कसम छुपाने को कुछ नहीं। तो जब इतना साफ मामला है तो काहे का डर, चौड़े से आइए, क्या कहिए सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड जस्टिस जांच कर ले, एसआईटी बन जाए, कोर्ट निगरानी कर ले, सीबीआई जांच कर ले। कहा ये बाबू खेल रहे हैं, बाबू खेलने से कुछ होता है? सुरेंद्र भाई बड़ा नजर रखिए, बड़ी नजर रखिए, कई बार पार्टियां नजर तंग कर लेती हैं, वो शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सिर दे देती हैं, सोचती तूफान गुजर गया। ऐसी गलती भाजपा ने भी कई दफा की और आप भी करते रहे, दोनों पार्टियां भगवान का आशीर्वाद, ऐसी गलतियां खूब करते रहे। 77 में कोई जाति नहीं हुई, कांग्रेस का स्टैंड था, देश का मत था। मैं नहीं जाता शाह कमीशन ने क्या कहा, देश ने यह कहा कि जाति हुई, चुनाव में परिणाम आ गया। 84 में कोई जाति नहीं हुई, कांग्रेसियों ने केवल भजन किया, राधे 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 श्याम मिला दे, देश ने कहा नहीं सिख मारे गए। 6 दिसंबर 1992 को भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने कहा कि जी हम तो भजन करने गए थे,
देश ने कहा नहीं, देश का सांप्रदायिक ढांचा और सौहार्द को तोड़ने का काम हुआ, देश ने माना। उसके बाद जब चुनाव हुए थे, सुरेंद्र अग्रवाल जी इतिहास से सीखो सब लोग, उसके बाद जब चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं रिपीट नहीं हुई सरकार आपकी, चार जगह चुनाव हुआ था, यह जनता का फैसला था। इन चीजों से नहीं सीखेंगे तो बार बार ठोकर खाएंगे, कहीं घुटना फूटेगा कहीं अंगूठा टूटेगा, ये जान लीजिए, क्योंकि सीखना नहीं चाहते आप लोग। कांग्रेस भाजपा दोनों दंभ के कैलाश पर बैठे हैं, दंभ के कैलाश पर, जो कह दिया वही ठीक है। नहीं, ये राजपाठ किसका हुआ आज तक? किसी का नहीं हुआ, ये तो छाया है, मृतष्णा है, ये किसी हवा किसी की मुट्ठी में कैद हुई क्या? सुरेंद्र भाई आप तो समझदार आदमी है, चीजों को गंभीरता से देखते हैं, ऐसी कोशिशें मत करिए। ये बाबू हाथ झाड़ के अलग खड़े हो जाएंगे चुनाव के समय जब इस मसला आएगा। वैसे ही जितने सचिए मुद्दे हैं, 84 का दंगा, अयोध्या में ढांचे का ढहना, 77 की जागृतियां, उतना ही सच ये है कि उत्तराखंड में आपदा के नाम पर घोटाला हुआ। सौ रविशंकर कैलाश मानसरोवर पर खड़े होकर चिल्लाए फिर भी नहीं मानूंगा, इनको चढ़ा दो कैलाश मानसरोवर पर, वहां जाकर चिल्लाए फिर भी नहीं मानते, क्योंकि मेरे गांव के लोग नहीं मान रहे, मेरे शहर के लोग नहीं मान रहे, मेरे उत्तराखंड के गरीब लोग मानने को तैयार नहीं, जिन्होंने आपदा झेली वो मानने को तैयार नहीं। पूरी कांग्रेस एक सम्मेलन बुलाए, उसमें प्रस्ताव पारित कर ले, एक रुपए की हेरा फेरी नहीं हुई, इससे क्या होगा? देवकांत बरुआ ने बोला था ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, क्या हुआ? 77 में भारत ने उनको अपना तो नहीं माना? ऐसा काम नहीं करिए, ये काम ठीक नहीं, इसमें गरीब की हाय लगती है। और सबसे सीधी बात, ये तो दूसरा कलेश आ गया, मैंने तो शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही थी, सुरेंद्र भाई तो पहले दिन से इस तरह की बहसों में मेरे साथ है, मेरे सौभाग्य के इनका स्नेह मिलता रहा। मैंने हर बार ये निवेदन किया कि सुरेंद्र भाई कांग्रेस की सरकार को, जब विजय बहुगुणा थे तब भी और अब हरीश जी तब भी, मैंने कहा कांग्रेस की सरकार को आय और व्यय का श्वेत पत्र देश के सामने रखना चाहिए। पूरे देश से, पूरी दुनिया से मदद आई थी, आटा चावल का हिसाब नहीं मांग रहा, पैसे का हिसाब तो दो। टाटा से मदद आई, विप्रो से मदद आई, रिलायंस से मदद आई, एचएमटी से मदद आई, हर कारपोरेट घराने ने मदद दी, हर राज्य सरकार ने मदद दी, केंद्र सरकार ने मदद दी, एनआरआई ने फंड दिया, गया कहां पैसा? आप ईमानदार हो, मैं नहीं कहता बेईमान है, तो बताओ ना, रख दो श्वेत पत्र। जनता से बड़ी कोई अदालत है क्या? रख दीजिए श्वेत पत्र, मैं आपके साथ खड़ा हूं, फिर उसकी स्क्रूटनी हम कर लेंगे, झूठ है कि सच है। आइए श्वेत पत्र रख दे, क्या बुराई है इसमें? भाजपा मांग करे तो, नहीं करे तो भी अपनी तरफ से रख दें, क्या समस्या क्या है? पूरे देश का पैसा है सुरेंद्र भाई, ये केवल हमारे आपके बीच का मसला नहीं, ये कुछ टीवी चैनल्स और सरकार के बीच का खेल नहीं, ये कुछ पार्टियों के बीच की कबड्डी नहीं, हिंदुस्तान भर की भावनाएं और हिंदुस्तान भर का आर्थिक सहयोग आपके पास पहुंचा था, उसका कुछ हिसाब देंगे कि नहीं देंगे? ये घर में रखेंगे सब सारा हिसाब? नहीं, वो मुनीम हमेशा शक के दायरे में रहेगा जो हिसाब नहीं बताए। मुनीम सरकारों को मैं मुनीम मानता हूं, वो जनता के पैसे की मुनीम है, बताना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं बताते, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तब सरकारें कटघरे में रहेंगी। कल हो सकता है मुन्ना सिंह जी की सरकार आ जाए उत्तराखंड में, तब भी मैं यही इतनी पुख्ताई से बात कहूंगा कि मुन्ना सिंह जी आपकी पार्टी की सरकार को पहला काम यह करना चाहिए, आपदा की राशि आय व्यय पर श्वेत पत्र प्रदेश के देश के सामने रखना चाहिए। और आज की सरकार से भी यही निवेदन कर रहा हूं, उत्तराखंड के हित में यही है, देश के हित में यही है, आपके सम्मान के हित में यही है, आपकी प्रतिष्ठा के लिए यह जरूरी है और गरीबों के साथ न्याय के लिए जरूरी है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र अग्रवाल जी आपका, मुन्ना सिंह चौहान जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।